ये बुड्ढी के बाल क्यों लगाए हैं? ये माइक है, माइक। मैंने सोचा बुड्ढी के बाल ना पंजाबियों में ऐसा बहुत होता है कि ना शादी हो गई है तो उसके बाद एक बार वैष्णो देवी तो आना ही है। Hi guys, welcome back to our channel, Dev and Maggie. तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं माता के दर्शन कराने, मतलब वैष्णो देवी। तो सबसे पहले बोल दो जय माता दी बोलो और अब चलते हैं ऊपर माता के दर्शन कराने भवन पे। सो भाई ऑन सुन रहे हो? सो इस ब्लॉग में हम आपको दो जगह लेके जाने वाले हैं, वैष्णो देवी एंड देन पटनी टॉप। और हम ये यहाँ क्यों आए हैं, क्या रीज़न है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना पंजाबियों में ऐसा बहुत होता है कि ना शादी हो गई है तो उसके बाद एक बार वैष्णो देवी तो आना ही है, किसी तीर्थ स्थान पे जाना ही है। हाँ, वैष्णो देवी चले जाओ, गोल्डन टेम्पल चले जाओ, कहीं तो जाना ही है, तो वो हम गए नहीं थे। फर्स्ट रीज़न दैट, एंड सेकेंड देव का बर्थडे है, दैट इज ऑन 24th, आज 22nd है, दैट मीन्स 24th मार्च, या तो परसों इसका बर्थडे है, कल हम दर्शन करेंगे एंड देन परसों वी विल लीव फॉर पटनी टॉप। तो हम आपको ऑब्वियसली इस ट्रिप में अपने साथ लेके चल रहे हैं। यस, वी होप कि आप इसको एंजॉय करोगे। चलो जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट, सब कुछ ले लिया? सब हो रिया बाय बेटे, जाओ माता देखो, बाय बेटे बाय। हम तो जा रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम तो। बाजी नहीं हो कह रहा मैं ये साल जाने। ओ यू नो क्या है मच्छर? वेव को बनाने का धंधा है यहाँ पे। हमें लगा कि चेक इन बैगेज है, कि यहाँ पे चेक इन कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, चेकिंग कि बैगेज की चेकिंग के लिए बालना है। कहता 20 रुपये दे दो आपका बैग सैनिटाइज हो गया, मतलब कुछ भी कहीं पे भी हिंदुस्तान में। अभी भैया दिखने में तो बढ़िया लग रही है एकदम, फटाफट भाग ले, ट्रेन छूट जाएगी तेरी, भाग ले यहाँ से, निकल ले तू। ऑटोमेटिक, ओह नाइस, फोन ले लगा यहाँ पे तेरी जगह। यहाँ सबका बैग भर जाते हैं ना, तो जिनके पूरे नहीं आते हैं उनको नीचे रखने पड़ते हैं। अच्छा, तू गई है इस ट्रेन में पहले? ऐसी ट्रेन में जुट्टी राम गपोड़ी शताब्दी। गाइस ये झूठ बोल रही है यार, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। अबे चल तू, अगर मैं रह जाऊँ ना चेन खींच दियो, चेन की दो है, चेन नहीं मतलब ये दबा दियो, बचाएगी नहीं बचाएगी मेरे को, निकल लेंगे चेन। हाँ तो रेल नी तो बुक फूड सब कुछ इसी में लिखा हुआ। तो भाई जो ट्रेन है काफ़ी अच्छी है, और मैगी ऐसे बैठी हुई जैसे इसने तो भाई कितनी बार ट्रैवल करा हुआ है इस ट्रेन में, जैसे कि इसको सब कुछ पता है इस ट्रेन के बारे में। अरे हाँ। मैं वो कह रही ये होता है वो होता है, लोग ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, नहीं बट जेन्युइनली द ट्रेन इज रियली नाइस, रियली क्लीन। और भाई तूने बताया ट्रेन कौन सी है? सीट ऐसे ऐसे हो जाती है। हाँ, ट्रेन का नाम है वंदे भारत, जो यहाँ से सीधा कटरा जाएगी, मतलब दिल्ली टू कटरा। अब आपको बाकी डिटेल्स थोड़ी देर में देते हैं, कुछ खा लेते हैं। इंडिया से शॉपर्स वीकली कोविड सर्च की लगभग 67। व्हाट्स अप पीपल यार, मैं कोई मूड में नहीं हूं अभी करने के। क्यों, तूने वो नहीं करना? हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल देव एंड मैगी, मेरे को अभी पॉटी आएगी तब करूं। तो यहाँ पे ये नहीं डालना, क्यों ये तो डलेगा, यहाँ पे हमारा प्लग पॉइंट है, हटियो। हम प्लग पॉइंट ढूंढ ढूंढ के थक गए और हमारा प्लग पॉइंट ये रहा। हाँ
मतलब हमारा भी इसको लग रहा है फार्टेड आई डिडंट। अगला स्टेशन अंबाला। ये सोने वाली है, शॉल निकाल ली है इसने बैग से। अगली खुश है so this is how the washroom looks like, pretty clean, normal। हमारी जो ट्रे होती थी उससे तो क्लीन ही है। एंड वैक्यूम वाला है, पानी वाला नहीं है सिस्टम, तो दैट इज़ फाइन। एंड या इंडियन टॉयलेट, इंग्लिश वाला पता नहीं दूसरे में होगा। सोप है, टिशू है, प्रीटी मच एवरीथिंग, सो डिसेंट इनफ। पीपल सो हमारा लंच आ गया। सो एक राजमा चावल है और एक कढ़ी चावल है, और बिकानो और हल्दीराम का लंच मिलता है यहाँ पे। सो इट्स नॉट लाइक दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट, चाहे आप एग्जीक्यूटिव क्लास में या फिर नॉर्मल चेयर कार में हो, आपको खुद परचेज करना पड़ता है। ये लंच है अराउंड 150 रुपये का एक है। सो आई गेस सही होगा क्योंकि बिकानो का है। एंड ये मैडम अभी सो रही हैं, तो जैसे ही उठती है फिर थोड़ा लंच करेंगे। एंड अभी हमारी 4 घंटे की और जर्नी बाकी है। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस ट्रेन इज़ कि जो सीट्स हैं ये हार्ड हैं, मतलब इतना सॉफ्ट फोम नहीं है इसका, जो है इतना सॉफ्ट नहीं। सो दीज आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल, मतलब कम्फर्टेबल तो मैं बाद में बोलूँगा, इतनी कम्फर्टेबल है ही नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रही है, लेग रूम बहुत ज़्यादा है और बस सीट्स कम्फर्टेबल नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस। आपको सफर अब तक का बढ़िया नींद आई? बढ़िया नींद आ गई? ऐसे पत्थर गद्दों पे नींद आ गई है यार, बड़ी अनकंफर्टेबल सीट्स थी। वो तो है। अब कड़ी चावल खा लो। नहीं, क्यों? बहुत मिर्ची है और ये मुझे पुराने लग रहे हैं। पुराने नहीं है, फ्रेश हैं, बिकानों के हैं, खा ले। हम फाइनली पहुंच गए हैं। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी ठंड होगी। शॉर्ट्स पहन के आई हुई है, लाइन लगी हुई है और यहाँ पे चेकिंग होएगी पता नहीं क्या, शायद कोविड की। सो अब देखते हैं, ठंड तो है यहाँ पे, बारिश। लाइन लगा लो, अपनी अपनी रिपोर्ट बाहर निकाल के रखो, रिपोर्ट बाहर निकाल के रखो और अपनी साइड रहो। सो ये कोविड टेस्टिंग की लाइन है बेसिकली, आपने अपनी रिपोर्ट लेके आनी है तो आपकी रिपोर्ट को देख के जाने देंगे। ऑल दो दे आर नॉट टेस्टिंग एनी बार कोड और समथिंग, बस ये देख रहे हैं कि आपने टेस्ट कराया हुआ है कि नहीं कराया। क्या पता आगे देखें, क्या पता रिकॉर्डिंग। तो यार, बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू कैन नॉट फोटोशॉप थिंग्स। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। वाटर रेपेलेंट है। क्या बात कर रही है, जैकेट। रूम में चेक इन कर लिया हमने, बट अब ये मक्खी है जो परेशान कर रही है। और मैगी चाह रही है कि हम ढूंढ ले उसको और बाहर निकाल दे। और एक अपडेट कि भाई बहुत तूफान आ रहा है, हमने कल वहाँ चढ़ाई करनी है वैष्णो देवी की, बट लेकिन आज तो बहुत तूफान है। आप देख सकते हैं खिड़कियाँ हिल रही हैं, इतना तूफान है। मैगी क्या कह रही यार, वो हमारा रूम बिल्कुल। और जो ये मेक माई ट्रिप पे हमें रूम दिखाया गया था कि बहुत बढ़िया रूम है, लेकिन रूम नहीं है बड़ा। और हमें लगा कि ये, मुझे तो यही लगा कि ये ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ होटल्स की चेन जो है उसका होटल में आपको ट्राइडेंट मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेगा? फोटो में बहुत अच्छा लग रहा था ये रूम, बड़ा भी लग रहा था। हमें लगा था कि यार चलो बढ़िया शूट वूट भी कर लेंगे, इसलिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा भी रख लिया था। बट रूम इतना खास है नहीं, अब देखते हैं क्या करना है।
ये सर खुजा रही है बैठ के. ओके गाइस, विल सी यू टुमारो. आज हम थोड़ी मस्ती करेंगे. मस्ती क्या करनी है? मस्ती नहीं करेंगे हम. क्या मस्ती करेगा तू? क्या करेगी आज? मैं तो सोऊंगी. चलो आज हम सोएंगे और फिर आपको कल मिलते हैं चढ़ाई करते हुए. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू द चैनल. अबे अभी खत्म हो गया ब्लॉग तेरा. तू खत्म नहीं कर रही अभी? क्यों, खाना नहीं खाएंगे अभी हम? अभी खाना खाएंगे, उसके बाद उसको दिखाएंगे आपको कि हम क्या खा रहे हैं. फिर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं. फिर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं. बस ठीक है, सी यू. यार लंच से लग तो सही रहा यार. क्या कहती है? दही बोलिए. दही भी सही लग रही है. बहुत सारी दे दी है. एक है ये. बहुत है दही तो यार. बोन अपीट पटीट. क्या बोलते हैं? बोना. खा लिया है इसने. इसने खाया है आलू का पराठा और मैंने खाया है. नहीं, दोनों ने खाया है एक्चुअली, आलू का पराठा और गोभी का पराठा. क्या कर रही हो तू? पकल तो दिखा दिया. ठंड लग रही है तेरे को? इतनी ठंड क्यों लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही. और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स में भी ठंड लग रही थी. हाँ, और ये जो आप आवाज सुन रहे हो ये तूफान है, तो खिड़कियाँ खड़क रही है. आवाज नहीं आ रही होगी उनको. पेड़ दिखाओ जो दिख रहे हैं. ये देखो मैं पेड़ दिखा रही हूँ. अबे आ रही होगी आवाज. ये देख लो आप, पेड़ हिल रहे हैं, वो फ्लैग हिल रहा है, तारे हिल रही हैं. सो इट्स लाइक प्रिटी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग. काफी मौसम इस टाइम पे खराब है यहाँ का. आज जो लोग दर्शन करने गए होंगे तो हाँ, उनसे खिड़की नहीं बंद हो रही. आज जो लोग दर्शन करने आए उनके तो हो ही नहीं पाएंगे. नहीं हो पाएंगे. क्यों नहीं हो पाएंगे? ऊपर जाके थोड़ा वेट करना पड़ेगा. बट रिसेप्शन पे कह रही थी कि नहीं होगा. वो हेलीकॉप्टर के लिए मना कर रही थी कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा आज. सो बट लकीली हमने कल के ही दर्शन बुक करे हुए थे 23rd के. एंड होपफुली कल वेदर ऐसा ना हो, वरना बारिश में और हवा में, हवा में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट बारिश में उड़ना कह रहा हूँ, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है. अब ये मैडम कॉफ़ी बना रही हैं. ये बंदी तब से ऐसे बन के बैठी हुई है. अबे इतनी ठंड है. कहाँ ठंड है? मैं तो अपना वार्म वाला, वार्मेस्ट वाला लोअर पहन रही हूँ. पता नहीं इतनी ठंड क्यों लग रही है. छुप क्यों रही है? मैं पिंपल है. तो क्या हो गया? पिंपल सबको होते हैं यार. यार बताओ इसको, ये कितनी सुंदर लगती है ऐसे ही वैसे ही. ये कह रही है पिंपल है पिंपल. ये देखो ब्लंडर. ब्लंडर कर देता ही मैडम ने, क्योंकि दूध डाल दिया था केटल में. अब जब दूध डालो तो बहुत तेज उबाला आता है. मैडम जी तो दोनों हाथ घुसा के बैठी हुई थी अंदर, क्योंकि ठंड लग रही थी. अब ये हो गया ब्लंडर. तो तू भी तो देख सकता था. मैंने ही बचाया है. अपना हाथ क्या जला बचा के, अपना हाथ जला के इधर करा केटल को, वरना तो तू तो ओ करके पीछे हो गई थी. मतलब कि कुछ हो रहा है, शी इज लाइक ओह अब मैं क्या करूं भाई. उसको पकड़ हाथ अंदर डाल के. ओह ओरियो की तरह. हाँ ओरियो. ओरियो भी अपना सेफ साइड रहता भाई. कोई भी ऐसी अननोन आवाज आएगी ना, ओरियो पीछे आ जाएगा कि पहले तुम जाओ देख लो, फिर कुछ हो तो मेरे को बता देना, मैं आगे आ जाऊंगा देखने की है क्या. पागल ज्यादा डल जाएगी, रुक जा. बंदा चीनी के पक्के लगाता है. क्या लगाता है? पक्के. पक्के क्या होता है? पक्के मतलब इतनी सारी चीनी पीता है. अब कॉफी पियेंगे. अब आपको लग रही है थोड़ी सर्दी गर्मी? अभी एक सिप भी नहीं लिया मैंने. ले ले. चीयर्स गाइस. चीयर्स. कॉफी पीते हैं. अब इसके बाद क्या करना है? सोना. ओके गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. अब कौन आ गया यार? दही रखनी है भैया? वो दही रख देना बस, बाकी ले जाओ.
बंदे को बुलाया नहीं था, बट इसको ये एस्टिमेट लगा लिया इसने कि अब तो इन्होंने खा लिया होगा, तो मैं जाके बर्तन उठा रहा हूँ। मेरे को इतनी ठंड लग रही है और ये बंदा हाफ स्लीव्स में घूम रहा है और घुसा ले तू अपने अंदर हाथ। तू अपने ब्रेन को बता कि ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, तू उसको बता रही कि बहुत ठंड है भाई। क्यों बताऊं? क्योंकि है ही नहीं ठंड। है ठंड, मेरे को लग रही है, मैं उसको बता थोड़ी रही हूं, तब लग रही है, अपने आप लग रही है मुझे। अगर तू बोलेगी ना आई एम चिल्ड आउट, कोई ठंड नहीं है, तो ठंड नहीं लगेगी। क्यों बोलूं मैं बढ़िया, मैं क्यों बोलूं? क्योंकि ठंड है ही नहीं। है नहीं है? है नहीं है? इतना हिल रहा होगा कैमरा अभी, तो क्या हो गया? मत कर, गंदा आएगा। सही आता है ऐसे। ओके बाय। मैं बोल रही थी अपने रूम में गंद मचाती हूँ मैं। तो यहाँ क्यों मचा रही है? क्योंकि ये मुझे नहीं साफ करना ना। तो दो दिन में तो रहना है ना, तो रूम क्लीन कराएंगे ना। मैं लग गंदा कर दो, गलत बात है। गाइस फाइनली हमने काफ़ी देर नहीं इस मैंने लिया नैप, इसने ये तो बेचारी काम कर रही थी है ना, झूठ बोल रही है ये। मैं काम कर रही थी। ये भी बीच बीच में सोई नहीं है, मतलब सोई है ये भी बीच बीच में, और भैया देख रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। वो तो सही बात है। दर्शन हो गया नहीं, कल जाना है, कल जाना वहीं पे लिया हुआ है, टेंशन वहीं पे लिया, सारा करा हुआ है, सारा करा हुआ है। कहाँ रुके हो? रामा ट्राइडेंट वो बस ये कह रहा था देखो कि यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं, जो नए नए मैरिड कपल्स आते हैं, जो नए कपल आते हैं, जो पहली बार बेसिकली वैष्णो देवी आ रहे होंगे, तो उनको वो कर देते हैं मिस गाइड कि यहाँ से चुन्नी ले लो, इस दुकान से ले लो। अब उस दुकान से उनकी होती है कमीशन सेट, वो बोलते हैं कि हाँ जी ये आपको सही रेट देगा, जबकि वो तुम्हें बहुत महंगा ही देगा। ये चल रहे हैं 20,000 नहीं, वो शगुन होता ना 11, 21, 31। एनी वे सो अब हम मार्केट में आए हुए हैं एंड सी सी डी यहाँ पे है नहीं यार, वैष्णो देवी में हो आप 15 किलोमीटर कमेंटर्स है यहाँ पे सी सी डी और ऊपर है सी सी डी, जब हम रास्ते में चढ़ते हैं तो कल दिखेगा आपको सी सी डी। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे अपनी एक तो पटनी टॉप टू की टैक्सी बुक करनी है, थोड़ा वो सामान लेना है जो मम्मी पापा ने बोला है, क्योंकि यहाँ के आम पापड़ बड़े अच्छे होते हैं। और क्या लेना है? मूर्ति लेनी है, एक मूर्ति लेनी है माता की, और बस यही सब लेना, तो वो सब लेते हैं, थोड़ी आपको मार्केट दिखाते हैं। ऑलराइट देन चलो। अच्छा फन फैक्ट, मेरा परसों बर्थडे है। हाँ तो ये तो सबको पता होगा ना? नहीं जरूरी थोड़ा ना, जो देख रहे हैं जो नए लोग होंगे जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे कोई इंस्टाग्राम डीएम पे मैसेज कर रहा था, किसी को किसी चीज़ का लिंक चाहिए था, तो शी वॉज लाइक कि दी मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो, देव भैया का बर्थडे है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले प्लीज लिंक शेयर कर देना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिजी तो कुछ नहीं है। और यार बर्थडे की, यार बर्थडे की मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, मेरे को नहीं पता इसको होती मुझे है। ऐसा इतनी कोई एक्साइटमेंट हो नहीं रही, पहले तो होता था कि मार्च शुरू होता था तो आई वाज लाइक कि भाई बर्थडे है, सारे दोस्त ये प्लान करते थे पार्टी का करनी है, बुकिंग होती थी बकायदा, लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं, अब देख लेंगे, हो गया ठीक है। अब ये कह रही मैं सरप्राइज करूँगी तेरे को, ठीक है भाई कर लियो। मैंने कब कहा है? तू प्लान तो कर ही नहीं ना कुछ इतना तो पता ही है मुझे, कुछ नहीं कर रही, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर। और हमने वैसे इसने मेरे लिए गिफ्ट भी लिया, अमेजोन से मंगवाया और वो मैंने रिटर्न कर दिया। अब कुछ और लूँगा मैं। मैं नहीं खा रहा अभी, पहले खाना खा ले, ठीक है? खट्टा मीठा है हैं? अब मीठा टेस्ट आ रहा है? फर्स्ट नोट कैसे हैं? मिक्स है, मिक्स है, खट्टा मीठा मिक्स है। हाँ जी हाँ, काले वाला बहुत गंदा होता है यार। यहाँ पे दो फेमस रेस्टोरेंट है, एक है ज्वेल्स और एक है ये होटल मधुबन। अब ज्वेल्स वहीं पे कटरा चौक पे और ये होटल मधुबन, ये भी अच्छा है। सो यू कैन हैव ऑन ईदर, नहीं ज्वेल्स पे आप साउथ इंडियन वगैरह खा सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन। सो एनी विच वन ऑफ, क्या कहती है? बी रोल्स लिए मैं खुद के। बी रोल्स
मार्केट के लिए बी रोल मेरा चलते हुए तो ले बी रोल चुप कर रहे प्लीज मैं नहीं ले रहा नहीं। मैं लिया जा रहा है इसका बी रोल यार बी रोल ही तो ले रहा हूँ ये बी रोल ये लाइक बी रोल बी रोल में कैसे कैसे घुमाना होता है ये बी रोल भैया कम ही डालना आइसक्रीम वो मीठा ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है मैडम को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है अभी ये है कि खीर पेल के आई है अगली अभी कह रही है मीठा नहीं चाहिए मीठा नहीं चाहिए अरे कॉफ़ी में नहीं है पसंद मुझे कॉफ़ी मेरे को अपने टाइप की यहाँ पे कमेंटर्स खुल गया सबसे कैपुचिनो भी मिलने लग गई है हाँ कब से आई डोंट नो कल पिएंगे सो कमेंटर सो आप ऐसा दे दिए अगर आ रहे हो कटरा में ज्वेल्स मधुबन और कमेंटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे खाना अच्छा है मधुबन का बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है ज्वेल्स का हमें नहीं पता नहीं ज्वेल्स का साउथ इंडियन इज गुड एंड यहाँ की आप ले लो कॉफी यहाँ की कैपुचिनो कल ट्राई करेंगे हाँ सबको बता दिया आपको तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा फर्स्ट डे व्लॉग और नहीं 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 इसी के साथ खत्म होता है हमारा डे वन वी विल मोस्ट प्रॉब्ली कीप द वैष्णो देवी का होल सीन इन वन व्लॉग वैष्णो देवी का होल सीन क्या होल सीन वैष्णो देवी पूरा कल का भी इसी व्लॉग में रखेंगे दो थोड़ी बनाएंगे नहीं है मुश्किल यार लंबे व्लॉग देखने में मजे आते हैं आते हैं क्या कमेंट करके बताओ कि ये लंबा व्लॉग अगर ज्यादा सही रहे मतलब अराउंड लंबा बन जाएगा 20-25 मिनट का बहुत मस्त लगता है ठीक है नहीं तो 15-15 मिनट के दो व्लॉग व्हाट डू यू लाइक एक एक यार क्योंकि देख चढ़ाई शुरू करनी है चढ़ाई के बाद उतराई भी करनी है उतराई के बाद होटल तक बस अच्छा पटनी टॉप अलग अच्छा चलो ठीक है This is the end of the day one. We'll see you tomorrow. Thank you for tuning in. और subscribe कर दो channel को please. क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं लोग देखते तो हैं comment भी करते हैं like भी करते हैं Thank you so much for that. Instagram पे please follow us. Devansh Kamboj, Maggie.says. We are really interactive over there as well. Active भी हम DM करो बातें करेंगे मज़े आएंगे Connected रहो and please subscribe. Thank you so much. Bye bye. रिसेप्शन पे ये पूछने कि वो केक अरेंज कर सकते हैं या नहीं बिकॉज टुमारो हम चढ़ाई करने वाले हैं वैष्णो देवी की सो हमें पूरा दिन लग जाएगा और आते आते रात हो जाएगी प्रॉबेबली सो कल रात को लाइक वी विल बी ब्रिंगिंग इन देव्स बर्थडे सो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए केक चाहिए सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई जस्ट होप कि वो पीछे से उठ ना जाए और उसे पता ना चल जाए सो taking you guys along let's go guys it's a success cake arrange ho jayega mujhe sirf raat ko so mujhe actually raat ko 9 baje aakar inform karna hai kitchen mein ki mujhe cake chahiye hoga kal so that I will do and ek kaam to ho gaya dusra you know guys I am so bummed about the fact ki हमारा रूम इतना अच्छा नहीं है मैंने प्लान किया था कि मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी आई हैव गॉट सम स्टफ ऑल्सो अमेजोन से ऑर्डर किया था मैंने डेकोरेशंस बट द रूम इज नॉट रियली वेरी प्रिटी सो देखते हैं बट या वी विल सरप्राइज देव एंड वी विल ब्रिंग in his birthday on a like we'll do something like on a something note I don't know agar wo bahut acha hoga ya nahi wo surprise hoga ya nahi but dekhte hain what's up people so welcome back to the channel day 2 hai aaj and hum taiyar ho gaye hain aur maggie bhi बाथरूम में है वो तैयार है वो भी एंड एक्चुअली द थिंग इज़ हम जब सुबह उठे 7 बजे 8 बजे जाने के लिए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड अभी भी बहुत तेज़ ये देखो
अभी भी बहुत तेज़ हवा तो चल ही रही है। सो एनीवे ऑब्वियसली हम ऊपर तो जाएंगे। आई डोंट थिंक हमें जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, डरने वाली नहीं। लैंडस्लाइड हो सकती है। इतनी सी हवा में लैंडस्लाइड नहीं है। मैंने तो अपना सारा सामान ले लिया है। हाँ। सब ले लिया मैंने, क्योंकि हम ऊपर फंस भी सकते हैं। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और मैं सोच रही हूं कि कप नूडल्स भी रख लूं अगर हमें कुछ ना मिले ऊपर। अरे ऊपर इतनी हजार दुकानें हैं रास्ते में आते हुए। तो उन अगर हम फंस गए तो उनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। महीने इसको लग रहा है महीने साल यहीं पे रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जय माता दी बोलो और चल पड़ो।